नमस्ते, मैं रजत हूं और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। झारखंड में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग के बाद हुई मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तबरेज के शरीर में कोई अंदरूनी घाव नहीं हुआ था। 18 जून को सरायकेला के धटकड़ी गांव में भीड़ ने पीट पीट कर तबरेज अंसारी की हत्या कर डाली थी। भीड़ ने पीटते वक्त जबरदस्ती जय श्री राम और जय श्री हनुमान के नारे लगवाए थे। तबरेज पर बाइक चुराने की कोशिश करने का आरोप था। 18 तारीख को ये मारपीट हुई और 22 जून को तबरेज अंसारी ने सरायकेला के सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया, वहां उसकी मौत हो गई। पीटने वाली भीड़ में शामिल 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौत के बाद आशंका जताई जा रही थी कि तबरेज की मौत पिटाई के कारण हुए अंदरूनी घावों से हुई है, लेकिन आज तक के रिपोर्टर नीरज तिवारी से बातचीत में अस्पताल प्रशासन ने इस बात को साफ किया कि ऐसा नहीं हुआ है। खबर के मुताबिक तबरेज के शरीर में अंदरूनी चोटें नहीं थी। सरायकेला के सिविल अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर वरियल मार्डी ने कहा कि पोस्टमार्टम में तबरेज के शरीर में कोई भी अंदरूनी चोट नहीं पाई गई है। उसके सर में हल्का फ्रैक्चर था, लेकिन ये ऐसा नहीं था जिससे तबरेज की मौत हो जाए। जब उसे जेल से सदर अस्पताल लाया गया तो हमने उसे ऑक्सीजन दी और उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश की थी। उसे बेहोशी के हालात में लाया गया था। हमने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। तबरेज की ECG फ्लैट आई थी, लेकिन घर वाले इलाज के लिए उसे आगर लेकर चले गए। डॉक्टर वायरल मर्डी ने इस बात को साफ किया कि पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक शरीर में कोई अंदरूनी चोट नहीं है। आप ये बयान सुनिए। इंटरनल चोट ऐसा बॉडीली नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन हेड में राइट फ्रंट ऑफ पैरिटल रीजन में क्रेनियल फ्रैक्चर था और उसका अंडरलाइंग ब्रेन ये में स्ट्रक्चर में हल्का सा मतलब कि सबरेपनॉइड हेमरेज जैसा दिखा। मौत होने का दूसरा कारण ये भी हो सकता है, मल्टीपल जो उसको बॉडीली एशोल्ट था, मारा गया था पीठ में। इंजरी सिंड्रोम एक होता है जिसमें इंजरी के बाद बॉडीली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, हेमोलिसिस, मायोग्लोबुलिनेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया वगैरह जो भी होता है, और वो हाइपरकैलेमिया हाइपरकैल्सीमिया के चलते कार्डियक एरिथमिया और डेथ, ये भी एक पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मौत के दिन 22 जून को सुबह ही तबरेज के हालात बिगड़ने लगे थे। CCTV में दिख रहा है कि वो सुबह उठा और पेशाब करने गया और वापस लौटने पर एक उसने पानी मांगा। साथी कैदी ने उसे गर्म पानी दिया, पर तबरेज ने ठंडे पानी की मांग की। पानी पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने जेल अधिकारियों से इसकी शिकायत की। उसने तुरंत सरायकेला के सदर अस्पताल में ले जाया गया। पूरे मामले की जांच कर रही टीम के हेड SDO डॉक्टर वशरत खयाम ने बताया कि तबरेज को 18 जून से ही सरायकेला जेल के मेडिकल वार्ड में रखा गया था। उसे सिर्फ लोकल कोर्ट ले जाया गया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हमने जेल कर्मियों से, डॉक्टर से, गार्ड, कैदियों से सबसे बात की है। हमने CCTV की फुटेज भी देखी है। हम जल्द ही जिला अधिकारी को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे। पूरी घटना के चर्चा में आने के बाद इलाके में तनाव है। धटकेड़ी गांव के आसपास में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए वहां पर पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये तबरेज अंसारी मामले में अपडेट था। अगर इसके अलावा भी कोई अपडेट इस मामले में आता रहेगा तो ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे है रूहानी। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। और सबसे अहम और सबसे सटीक हमसे जुड़ने का तरीका वो है हमारी एंड्रॉयड ऐप। तो हमारी एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड करें।